वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इरम ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी ब्लीच जो मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी। ये देखिए, संदल ब्लीच क्रीम ब्लीच है, ये बहुत अच्छी है। मैंने पहली भी वीडियो में आपसे शेयर की थी। इसका मैं एक तरीका आपको अच्छा तरीका बताऊँगी, बिल्कुल सिंपल तरीका, जिसके एक बार करने से आपको उसी वक्त रिज़ल्ट मिलेगा। अगर अपनी ब्लीच को वाइटनिंग दे सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है ब्लीच, तरह की होती है। ये हमारी क्रीम ब्लीच है और ये है हमारा पाउडर। तो पहले मैंने यहाँ लिया है एक छोटा सा बाउल और ये मेरा ब्रश है और मैं इसमें डालने जा रही हूँ। ये ब्लीच बहुत अच्छी है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही यूज़ करें और आप मुझे बताइए कि ये आपको ब्लीच का रिज़ल्ट कैसा लगा। इसमें मैंने पूरी डाल दी है। अब बारी है पाउडर की, ब्लीच पाउडर मैं डालूँगी। इतना सा अगर आप अपने फेस पे अप्लाई कर रही हैं, अगर आपके फेस पर दाने हैं तो आप कम पाउडर यूज़ कर सकती हैं, इसके साथ सूथिंग लोशन भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप हैंड और फुट पे कर रही हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा लेंगी ताकि आपके हैंड और फुट को ज़्यादा हाइटिंग मिले। मैंने बस इतना ही डाला है। उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ तिब्बत पाउडर। ये हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला पाउडर है, टेलकम पाउडर भी कहते हैं इसको। ये मैं डालने जा रही हूँ आधा चम्मच। ये आपकी ब्लीच को ज़्यादा वाइटनिंग देगा। अगर आपके पास वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो आप ये यूज़ कर अप्लाई कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप अपने हेयर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रोज़ वाटर, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने वाले हैं। ये आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको पता नहीं चलता कि ये मिक्स हुआ है या नहीं, ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि हमारा पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हैंड पर और रिज़ल्ट फिर आपके सामने है। और ये आपके हाथों को बहुत वाइट कर देगा, जितना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं और वाइट कर सकते हैं। अगर ये बहुत पतला हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे तिब्बत पाउडर यानी तेलकम पाउडर। इस तरीके से ये हमारी स्किन को बहुत वाइट करेगा। एलोवेरा तो होता ही हमारे लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये हेयर के लिए भी अच्छा होता है। चलो, अब ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हैंड पर। आप देख रहे हैं मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने अप्लाई कर लिया है। जब ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए तो आप इसको रिमूव कर देना। हम 15 मिनट के बाद देखेंगे, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये मैंने आपको लाइव करके दिखाया है और आप मेरी पूरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। तो दोस्तों, 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देना है और बाद में साफ़ कर देना है। फेशियल स्पंज से साफ़ करें या तो टिश्यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन बर्तन से भी साफ़ कर सकती हैं, वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैं 15 मिनट के बाद आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। आप मुझे यूज़ करके फीडबैक लाजमी देना ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी मेडी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ब्लीच रिमूव कर दिए, आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। जब मैंने ब्लीच नहीं लगाई थी तब आपने देखा था मेरे हाथ कितने इतने फेयर नहीं कर रहे थे जो अब कर रहे हैं ब्लीच करने के बाद। आप देख सकते हैं मेरे हैंड बहुत, स्किन मेरी जो है बहुत मुलायम हो गई है और मेरे दाग धब्बे जो थे वो बहुत हल्के हो गए। और अब मैं जब दोबारा यूज़ करूँगी तो मेरे ये दाग धब्बे भी हट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट आपके सामने है, मैंने आपको लाइव करके दिखाया था। मुझे पता है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी वीडियो मेरी आपके पास आती जाएंगी। तो फ्रेंड, अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।